प्रदेश से लेकर पंचायत तक राजद अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी क्रम में पूर्णिया में भी राजद का सदस्यता अभियान जारी है। ऐसे में राय बाबू के नाम से मशहूर शख्सियत कृष्ण कुमार राय ने भी राजनीतिक अनुभवों को खुद में समेटे राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली है। राजद में शामिल होने का एकमात्र कारण है कि तेजस्वी यादव से वो प्रभावित हैं। उनका मानना है कि अपनी उम्र में आज तक उन्होंने जितनी भी पार्टी देखी है उनमें तेजस्वी यादव से वो प्रभावित हुए हैं। सबसे दिलचस्प चीज है कि कृष्ण कुमार राय के घराने के कई सदस्य लगभग 3 दशक से किसी न किसी राजनीतिक दल में शामिल हैं। कृष्ण कुमार राय पहली बार सक्रिय राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर शामिल हुए हैं। मौके पर राजद के जिला स्तरीय दर्जनों सदस्य व कार्यकर्ता शामिल हुए। सबने फूलमाला व राजद का अंगवस्त्र देकर स्वागत किया, साथ ही सदस्यता पर्ची भी सौंपी गई। कृष्ण कुमार राय ने बताया कि पार्टी जो भी पद देगी उसे स्वीकार कर तेजस्वी के सपने को साकार करेंगे। आप देख रहे हैं SGN न्यूज़, की आपके साथ। बताया जी, राजद की सदस्यता आपने ग्रहण की है, क्या उद्देश्य से किया है? उद्देश्य है कि जन जन तक तेजस्वी जी के सपना को साकार करना है। राजद ही क्यों, बहुत सारे दल थे, बहुत सारे नेता हैं। देखे मित्र एक बोल चुके हैं कि 22 बरस से हमारे परिवार को जानते हैं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें नहीं है, लेकिन सिर्फ राजद में नहीं। हमको पर्सनली तेजस्वी जी का वो आकर्षित किया है। तेजस्वी जी आपको भाग गए हैं जी, जी। तो राजद की कमान के लिए अब आप क्या करना चाहेंगे, कौन सा पद आपको मिला है यहाँ? जो सा पद मिलेगा तो सहर्ष स्वीकार करेंगे और मिथिलेश बाबू को दिशा निर्देश में तेजस्वी जी के सपना साकार करेंगे। परिचय बता दें, कृष्ण कुमार राय, घर से चुनापुर हुआ, कहते हैं सिपाही का डॉलर हाउस जो। अब बताए, सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है, ऐसे में नए सदस्य भी जुड़े हैं, आज किनका सदस्यता ग्रहण किया गया है? दरअसल जो सदस्यता अभियान पूरे बिहार में जो चल रहा है उसी कड़ी में हम लोग सभी प्रखंड में जाकर के, सभी पंचायत में जाकर के, टोला में जाकर के हम लोग राजद के सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे कृष्ण कुमार राय जी जो चुनावपुर से राय परिवार से आते हैं, ये अपने पहचान के मोहताज नहीं है। इनका परिवार राजनीतिक दल के रूप में पहचान का मोहताज नहीं है। हम लोग भी जब पूर्णिया जब आए, राजनीति की शुरुआत हमने किया तो उस समय भी हम लोग राय परिवार से मुखिया जी का नाम से नाम का हम लोग सुनते आए हैं और लगातार इनका जो परिवार है जनप्रतिनिधि के रूप में कहीं ना कहीं ये लोग मतलब राजनीति में अपना हिस्सेदारी और मतलब दबदबा कायम रखते हैं। तो इनका जब इनकी जब इच्छा हुई कि नहीं, जब ये तेजस्वी जी से प्रभावित होकर राजद से जुड़ना चाहे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने इनसे संपर्क किया, इन्होंने अपनी इच्छा बताई कि नहीं, हम तेजस्वी जी से बहुत प्रभावित हैं और राजद हम सदस्यता ग्रहण करेंगे और राजद में हम सदस्य बनेंगे। तो इसी सदस्यता अभियान के कड़ी में एक सम्मान समारोह के रूप में कृष्ण कुमार राय जी को सदस्य बनाने के लिए ये कार्यक्रम आज इनके आवास पर डॉलर हाउस चौक में रखा। अच्छा, कृष्ण कुमार जी का पूर्व में भी कोई राजनीति किसी दल से रहा था या सिर्फ पहली बार राजनीति में आए हैं? चूंकि होता क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति जब उनके परिवार में जब राजनीति लोग रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि परिवार के सभी लोग सभी भाई रहेंगे, लेकिन अगर जब परिवार में अगर प्रतिनिधित्व अगर मिलता है तो कहीं न कहीं पूरा परिवार उसमें शामिल रहता है। तो इसको देखते हुए ये माना जाए कि इनका भी राजनीतिक रूप में 30 साल से इनका भी भागीदारी रहा और इन लोगों की पहचान रही। व्यक्तिगत तौर पर ये पहली बार किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं? व्यक्तिगत तौर पर ये पहली बार, लेकिन अपने परिवार के लिए बराबर क्षेत्र में जनता के बीच में बराबर ये लोग रहे।